खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य शामिल हुए। सबसे पहले सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई एवं शोध पत्रिका का विमोचन किया गया। साथ ही सांभवी मिश्रा, जो कि कथावाचक हैं, वर्तमान में कन्या महाविद्यालय रीवा की प्रथम वर्ष की छात्रा है। आपको बता दें, सांभवी मिश्रा पलक किशोरी के नाम से मशहूर हैं। सांभवी मिश्रा का श्रीफल देकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ साथ कई पूर्व छात्राएं भी उपस्थित रही। मैंने बात गुरु पूर्णिमा पे जी आयोजन किया गया आपके विद्यालय में, जी जी क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर मेजर विभा श्रीवास्तव, प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज रीवा। आज गुरु पूर्णिमा हम लोग सदियों से मनाते आए हैं, और शासन की ओर से भी था कि महाविद्यालय में गुरु पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से मनाया जाए, और इसके तहत मैंने हमारे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री राजकुमार आचार्य जी को मैंने आमंत्रित किया था, और वो आए। उन्होंने सभी महाविद्यालय की छात्राओं हम सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया, और गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में उन्होंने सबको बतलाया। और इसके साथ साथ हमारे जो भूतपूर्व यहाँ प्राचार्य रहे हैं, और साथ ही अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा शहडोल और रीवा संभाग डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव जी, जो वर्तमान में सचिव भारतीय रेड क्रॉस हैं, उनको भी बुला के हम लोगों ने गुरु के रूप में उनको सम्मानित किया, और उन्होंने भी नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और छात्राओं को गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताया। और साथ ही हमने हमारे यहाँ रिटायर प्रोफेसर आशा भार्गव मैडम, जो कि राजनीति की यहाँ प्रोफेसर रही हैं, गुरु के रूप में हम लोग ने उनको याद किया। वो आ नहीं पाई, लेकिन हम लोग घर जा कर के उनका सम्मान करेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारी जनभागीदारी अध्यक्षा श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी आई, और हमारे कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया, और कई गुरु शिष्य का उदाहरण देकर के उन्होंने गुरु के महत्व और शिष्य का क्या कर्तव्य होता है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। पूरा कार्यक्रम है वो नोडल ऑफिसर प्रोफेसर मायणमणि द्विवेदी, विभाग अध्यक्ष इतिहास, उनके द्वारा ये संपन्न कराया गया। डॉक्टर अमरजीत इसके संयोजक थे, उन्होंने उसका संचालन किया, और श्री गोपाल श्रीवास्तव, उन्होंने भी पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। और साथ ही हमारे जो अतिथि विद्वान हैं, जिसमें राहुल रूपेश द्विवेदी जी हैं, और भी जितने भी हमारे पूरा स्टाफ जो है, उन्होंने आज मिलकर के ये कार्यक्रम किया। और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमने आज वृक्षारोपण भी करवाया, और साथ ही नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई। और अभी जो भी शासन की ओर से कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, और वो पूरा जो है वो कार्यक्रम 2 दिन का चलेगा, और हमारी ये भूतपूर्व छात्रा जो है ये भी आई, क्या नाम बेटा, स्नेहा त्रिपाठी, उन्होंने भी अपनी स्वरचित रचनाएं जो है यहाँ पर सुनाई। और जो पलक किशोरी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भगवद गीता का प्रवचन करती हैं, वो सौभाग्य से हमारे महाविद्यालय की फर्स्ट ईयर की छात्रा है, उन्होंने भी भगवद गीता के बारे में ज्ञान दिया, और गुरु शिष्य परंपरा किस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति की मूल संस्कृति है उसके बारे में उन्होंने बताया। और मैं अंत में यही कहूँगी कि इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहे, जिससे कि छात्राएं हमारी भारतीय संस्कृति को जाने, और इसी यही भारतीय संस्कृति हमारी वसुधैव कुटुंबकम है, जो कि हमें विश्व में सबसे अलग बनाती है। आज हमारे इस कार्यक्रम में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारी ये इतिहास विभाग की ओर से ये शोध पत्रिका का भी विमोचन किया गया, और जिसके संयोजक डॉक्टर महेंद्रमणि द्विवेदी रहे। अब सर आपको बताइए, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में इतिहास विभाग के द्वारा 17 मई 2024 को एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के शीर्षस्थ विद्वानों ने अपनी भागीदारी निभाई थी, और उसके पश्चात शासन के सहयोग से, शासन के आर्थिक सहयोग से इस शोध पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। उसके बाद तमाम और जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, शिक्षक हैं, अध्येता हैं, विद्वान हैं, शोधार्थी हैं, उन सब से आलेख मंगवाए गए, उन आलेखों को संग्रह किया गया, उन्हें देखा गया,
परखा गया और उसे छपा करके मूर्त रूप दिया गया, जिसका विमोचन आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य और मंच के द्वारा किया गया। यह बहुत सौभाग्य की बात है, प्रसन्नता और हर्ष का विषय है कि यह सौभाग्य हमारे इतिहास विभाग को प्राप्त हुआ। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप इस आयोजन में आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि गुरु पूर्णिमा का आयोजन सदैव से इस महाविद्यालय में होता रहा है। गुरुओं के सम्मान करने का यह बहुत बड़ा अवसर होता है कि हम उनके प्रति उनके अपना आदर उनके प्रति उनकी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। आज महाविद्यालय परिवार में हमारे कुलगुरु आदरणीय राजकुमार आचार्य जी के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ और जो शासन द्वारा विभिन्न विषय दिए गए थे उन विषयों पर व्याख्यान के साथ हम छात्र छात्राओं ने और शिक्षकों ने मिलकर गुरु पूर्णिमा का उत्सव बहुत ही अच्छे से यहाँ मनाया है।